एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट विल बी सिट्स बाथ। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। सिट्स बाथ, जिसे हम हॉट बाथ भी कहते हैं, ये हम यूज़ करते हैं ताकि जो क्लाइंट का पैल्विक एरिया है उसको सोक किया जा सके, साथ ही साथ ऐसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा सके जो पैल्विक और जेनिटल एरिया से जो है रिगार्डिंग रहती हैं। सो बेसिकली अगर हम सिट्स बाथ की बात करें तो सिट्स बाथ जो है एक आप जो है बोल सकते हैं एक हॉट बाथ होती है, जिसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट का पैल्विक एरिया है उसको जो है किसी टब में जो है ले जा कर के हम पेशेंट को बैठा देते हैं और उसको जो है वो हॉट बाथ दी जाती है, ताकि जो भी पैल्विक एरिया से संबंधित या फिर जेनिटल एरिया से संबंधित अगर कोई भी उसको बीमारी है तो उसको ठीक किया जा सके। इसमें क्या है, एक क्लाइंट को जो है हम स्पेशल टब या फिर जो बाउल होता है उसमें ले जा कर के बैठा देते हैं। द एरिया फ्रॉम द मिड थाई टू द इलिक क्रस्ट और अम्बली क्रस्ट इंक्रीजेज सर्कुलेशन टू द पेरिनियम। सो बेसिकली अगर हम इसमें बात करें, जो आपका एरिया होता है मिड थाई से लेकर के आपके अम्बली क्रस्ट तक का, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, अगर कोई भी जो डिजीज़ है या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जो टेम्परेचर हम पानी का रखते हैं वो ज़्यादातर आपका 40 से 43 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है हम रखते हैं। और ये आपका जो है डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसकी टॉलरेटिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि जो पेशेंट है वो कितना टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, उसके बेसिस पे जो टेम्परेचर है वो डर का रखा जाता है। नॉर्मली जो टेम्परेचर रहता है वो आपका यही रहता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस इमेज में बेसिकली हमने क्या करा है कि एक टब लिया है, टब में क्या करा है कि हॉट वाटर को डाल दिया है और उसके बाद उस पेशेंट को जो है हमने उसमें बैठा दिया है, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद जो है हम पेशेंट को उसमें थोड़ी देर के लिए रखते हैं और जो भी पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिलीफ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कि बेसिकली क्या पर्पज़ है सिस बात का, तो सबसे पहले हमारा आता है टू रिलीव पेन इन द पोस्ट ऑपरेटिव रेक्टल कंडीशन। इन केस अगर कोई पेशेंट है और जिसकी रेक्टल की जो है कोई भी सर्जरी वगैरह हुई है, तो उसका पेन रिड्यूस करने के लिए जो है हम सिट्स बाथ का यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्मूथन इरिटेटेड स्किन, जो पेरिनियम की स्किन है जो इरिटेट हो चुकी है उसको स्मूथ करने के लिए भी जो है हम सिट्स बाथ का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ताकि अगर कोई फीमेल है और उसकी जो है वेजाइनल डिलीवरी हुई है और उस दौरान उसको एपिजियोटमी लगी है, तो एपिजियोटमी के दौरान वहाँ पे जो है वुंड हीलिंग को जो है प्रमोट किया जा सके, ताकि वो जो एरिया है वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसके लिए भी क्या करते हैं हम सिट्स बाथ जो है महिला को देते हैं। इसके अलावा टू रिलीज द ब्लैडर स्पाज़म इन केस ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। इन केस अगर कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है जिसको यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो ब्लैडर स्पाज़म हो चुका है उसको रिलीव करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या है हम सिट्स बाथ का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी मेडिकेशन जो है हम यूज़ करते हैं या फिर क्या इसमें जो है ट्रीटमेंट हम लेते हैं पेरिनियम के लिए, सिट्स बाथ के लिए, तो इसमें जो है हम सॉल्यूशन लेते हैं KMNO4 सॉल्यूशन ले सकते हैं, या फिर 250 mg KMNO4 सॉल्यूशन जो है हम 500 ml ऑफ वाटर में डिप करते हैं। इसके अलावा जो ड्यूरेशन होता है बाथ का, वो जनरली अगर हम बात करें तो 15 से 20 मिनट का होता है और वो आपको एक्सीड भी कर सकता है 20 से 25 मिनट के लिए। वो डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट है या फिर जो आपका पेशेंट है उसकी हेल्थ यानी कि उसका स्वास्थ्य किस प्रकार का है। उसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिशियल फॉर, यानी कि ये किस किस पर्सन के लिए जो है बेनिफिट जो है रहती है या फिर किस किस को लिए जो है ये लाभदायक रहती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हेमरॉइड्स। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको हेमरॉइड्स है या फिर पाइल्स की बीमारी है, तो उस पर्सन को सिट्स बाथ दी जाती है। इसके अलावा मस्कुलर प्रॉब्लम्स, अगर किसी को मसल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो हम दे सकते हैं। इन केस अगर कोई पर्सन है और उसकी जो टेस्टिस हैं वो पेनफुल हैं या फिर पेन कर रही हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस केस में जो है हम सिट्स बाथ दे सकते हैं। इसके अलावा पेनफुल ओवरीज के केस में दे सकते हैं। अगर किसी महिला को यूट्राइन क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उस केस में जो है सिट्स बाथ दी जा सकती है, या फिर अगर कोई मेल है
और उसको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस केस में जो है हम पर्सन को सिक्स बाथ दे सकते हैं। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन के बारे में कि सिक्स बाथ जो है एक हॉट बाथ होती है जो कि हम पेशेंट्स को देते हैं ताकि जो उनका पैल्विक और जो जेनाइटल एरिया है उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है मिनिमाइज़ किया जा सके या रिड्यूस किया जा सके या ठीक किया जा सके। इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्पेशल टब होता है और उसमें जो है पेशेंट का जो पैल्विक एरिया है उसको ले जा करके हम उसमें डिप कर देते हैं। जो टेम्परेचर रहता है वो आपका 40 से 43 डिग्री सेल्सियस का हम रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या पर्पज़ है, ताकि जो पेन है उसको रिड्यूस किया जा सके, पेरिनियम को स्मूथ किया जा सके, जो वुंड हीलिंग है उसको प्रमोट किया जा सके, या फिर अगर यूरिनरी रिटेंशन है तो वहाँ पे जो ब्लैडर स्पाज्म क्रिएट हुआ है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा KMNO4 सॉल्यूशन हम इसमें यूज़ करते हैं। 500 ml वाटर में जो है 250 mg जो KMNO4 सॉल्यूशन है उसको डाला जाता है और जो इसका सिक्स बाथ का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम इंटरवल है, वो आपका 15 से 20 मिनट का रहता है और डिपेंड करता है कि जो आपका पेशेंट है उसकी हेल्थ किस तरह की है, जो 20 से 25 मिनट तक भी आप जो है रख सकते हैं। इसके अलावा किस किस के लिए बेनिफिशियल है, हेमरॉइड्स वाले केस में, मस्कुलर प्रॉब्लम्स में, पेनफुल टेस्टिकल्स में, पेनफुल ओवरीज में, यूट्राइन क्रैम्प्स में और प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको पसंद आए या फिर थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।